हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया 2024 की लेटेस्ट अपडेट लिख रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको बताया है कि 23,820 सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म अब आप 27 नवंबर तक भर सकते हैं, यानी कि 7 दिन और आपकी इसमें डेट बढ़ चुकी है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 20 नवंबर थी, लेकिन अब हो गई है 27 नवंबर तक आप इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और कल हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि 13,820 इसमें आपके वैध प्रमाण पत्र बने हैं, प्रमाण पत्र बने हैं, और ये जो प्रमाण पत्र बने हैं ये नगर पालिका की ओर से आपके बनाए गए हैं, और इसमें अभी तक 18,000 जो है अनुभव प्रमाण पत्र के लिए डिपार्टमेंट को आवेदन मिले हैं, तो फिर से भी आपकी इसमें वैकेंसीज खाली रहेगी। इसको लेकर आज हाईकोर्ट में इस भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई है, और क्या लेटेस्ट अपडेट हाईकोर्ट की ओर से निकला है वो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तीन लेटेस्ट न्यूज निकली है। कौन कौन सी न्यूज निकली है? सबसे पहले आप देख सकते हो, सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के लिए अब आवेदन 27 नवंबर तक कर सकेंगे, यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया में अब आप 27 नवंबर तक आप अपने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या अपडेट है? सरकार की ओर से निकाली गई सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदनकर्ता आप 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं, तो इसके आप आवेदन जो है 27 नवंबर तक कर सकते हैं। 28 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच अपना जो फॉर्म है वो आप संशोधन कर सकते हैं। बात जो सेकंड न्यूज है वो आप यहां देख सकते हो, सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया 2024 मामले को खंडपीठ में भेजा, सुनवाई आज। तो इस भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई आज होगी, लेकिन इससे पहले सरकार की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया के लिए बड़ा आदेश जारी हुआ है। सबसे पहले हाईकोर्ट की ओर से इसमें क्या क्या अपडेट आपको बताया गया वो बताएंगे, और इसके बाद सरकार की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर लेटेस्ट न्यूज क्या निकली है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें बताया गया है, हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया 2024 के नए विज्ञापन व भर्ती प्रक्रिया नियमों में किए गए बदलाव को चुनौती वाले मामले को बुधवार को खंडपीठ में सुनवाई के लिए भेज दिया है। तो आज जो है आपका गुरुवार हो गया है, और कल बुधवार था, और बुधवार को इस सुनवाई संबंधित जो मामला था वो भेज दिया खंडपीठ में। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश सियाराम माली सहित 100 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। आपकी थर्ड न्यूज है वो आप देख सकते हो, इसमें कितनी टोटल ओपन नंबर वैकेंसीज फिर से खाली रहने वाली है सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में। तो यहां देख सकते हो कैसे होगी सफाई कर्मी भर्ती, निगम में 1000 पद है खाली, इसमें से जो है 100 के पास ही अनुभव प्रमाण पत्र है, यानी कि जो फिलहाल सरकार ने अभी अनुभव प्रमाण पत्र संबंधी जो डिटेल्स जारी की थी उसके अकॉर्डिंग केवल 100 अभ्यर्थियों के पास ही वैध अनुभव प्रमाण पत्र है। तो फिर यदि हम बीकानेर जिले की बात करें तो बीकानेर जिले में आपकी 900 पोस्ट खाली रहने वाली है। बीकानेर में कितनी पोस्ट हैं? 1000 पोस्ट हैं, लेकिन यार 900 पोस्ट फिर से खाली रहने वाली, क्योंकि 100 अभ्यर्थियों के पास ही वैध अनुभव प्रमाण पत्र है, क्योंकि सरकार की ओर से जो नए नियम लागू किए गए हैं अनुभव को लेकर वो अनुभव केवल 100 अभ्यर्थियों के पास ही है। तो इसमें आपको क्या क्या और अपडेट बताया गया है, तो यहां देख सकते हो, इसमें आपको बताया गया है कि नगर निगम बीकानेर में सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के करीब 1950 पद स्वीकृत है, करीब 1450 पद भरे हुए हैं, सरकार ने यहां पद बढ़ाकर 2500 कर दिए के तकरीबन कर दिए, यानी कि करीब 1000 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी। अनुभव प्रमाण पत्र की शर्तों के आधार पर अगर भर्ती हुई तो 100 कार्मिक ही इस पद के लिए योग्य हैं। फिर नए नियम जारी किए इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर, क्या नए नियम है वो आप याद देख सकते हो, किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा दिया हुआ अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं हुआ, अनुभव प्रमाण पत्र सिर्फ नगर निगम ही जारी करेगा, इसके लिए प्रत्येक निकाय में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसके यहां आवेदन के साथ दस्तावेज लगाने होंगे, उसकी जांच कर निगम अधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। अगर आवेदक के पास दस्तावेज नहीं है और वो खुद को भी कहीं काम करता हुआ बता रहा है तो निगम संबंधित संवेदक से दस्तावेज मांग सकता है। अगर आवेदक की चिरंजीवी, हेल्थ चेकअप, कोविड के टीकाकरण की सूची, अनुदानित राशि में पंजीकृत जैसे तमाम दस्तावेज निगम के पास हैं तो निगम उन दस्तावेजों के आधार पर भी प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अगर संविदा आधार पर आवेदक ने अलग अलग जगह अलग अलग समय पर काम किया है और 2 से 3 टुकड़ों में मिलकर अगर उसकी कार्य अवधि 1 वर्ष भी हो रही है तो प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। तो ये जो फिलहाल अनुभव प्रमाण पत्र है इसको लेकर अभी बैंक स्टेटमेंट को लेकर भी काफी सारे इश्यू चल रहा था, क्योंकि जो अभ्यर्थी ठेका पद्धति में लगे हुए थे उनको कैश पेमेंट हुआ था, वो स्टेटमेंट कहां से लेकर आए, और भी काफी सारी जो है दिक्कतें हैं, काफी सारे जो आवेदक हैं उनको आ रही थी। इसके भी सरकार ने फिर से इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट है वो 7 दिन और बढ़ा दी, और इसको देखते हुए फिलहाल डिपार्टमेंट के पास 18,000 ही जो अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पहुंचे हैं, 13,000 कुछ आवेदन जारी हो चुके हैं, आपके 2,000 आवेदन इसमें अभी पेंडिंग है, वो जल्द आपके 7-8 दिन में निस्तारित हो जाएंगे, और जल्द वो अभ्यर्थी यदि अप्लाई कर देते हैं तो 19,000 जो है इसमें वैध आपके अनुभव प्रमाण पत्र बने हैं। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, यदि अभी तक आपका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना है तो लास्ट डेट बढ़ चुकी है, अब आसानी से आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बना कि इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भर सकते हैं।